नमन सर, अस्सलाम वालेकुम अभिषा, सबको बहुत ज्यादा स्वागत है मंचन पर और आप सबको बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। आज की हम वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान ने हमें ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कैसी बात है यार, तो बहुत अच्छी है। तो अफगानिस्तान ने उनको हरा दिया यार, मेहनत 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 है उनकी, किस्मत तो होती है लेकिन मेहनत भी तो बहुत होती है ना, बहुत करते हैं तो वही ना, हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं मेहनत करते, ये तो भाई निकम्मे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो है ना भाई, अफगानिस्तान ने उनको हरा के ना उनको उनकी औकात दिखा दी है। तो अभी हम देखते हैं भाई किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा उनका सेलिब्रेशन हो रहा है। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की किसी टीम होना भी यार, सेलिब्रेशन बनता है उनका, बड़ी बड़ी मुबारकबाद के सुपर एट मरले में बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दी। बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस, 149 रन का दिफा करने में कामयाब रहे। अफगानी जान बूझ के ये कर रहे हैं ऐसा, खुशी से हंस रहे हैं। तो आज अफगानिस्तान ने ऐसा धूल चटाया है कि पूरी जिंदगी ये लोग याद रखेंगे के बदतमीजी का नतीजा और गमन का सर हमेशा नीचे होता है। Everyone they were supporting Afghanistan. हर विकेट पे they were cheering. Wow. मैक्सवेल टिक सका ना, मिचेल मार्श टिक सका ना, जो वो स्टोइनिस टिक सका, सारे के सारे जो वो अफगानिस्तान के सामने ढेर हो गए हैं। और क्या कमाल की बॉलिंग जो अफगानिस्तान की टीम की जानिब से देखने को मिली है। ओए होए होए होए, तोबा तोबा तोबा, they were all jumping and enjoying and cheering Indian fans, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो कोई मैच नहीं हारी हुई और इंडिया के लिए आज का मैच और उनके लिए हालात को आसान करके चला गया। काफी ज्यादा इंडियन भी आए हुए हैं और वेस्ट इंडीज वाले जो लोकल, वो भी उनसे भी पूछा मैंने, वो जो ढाबे वाला था कि किसको चाहते हैं कौन जीते, तो अपने दादा बोल रहा है ऑलवेज सपोर्टिंग अफगानिस्तान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों T20 विश्व कप 2024 का सुपर 8 का मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। मैच से पहले भले ही कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से मुकाबला जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट गए और T20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किंग्सटाउन में देखने को मिला। अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान की चित्र बात वह चूक नहीं की जो वनडे विश्व कप 2023 के लीग फेज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज के लगातार 4 मैच और सुपर 8 के मैच में बांग्लादेश को हराकर यहां पहुंची थी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोक दिया। अफगानिस्तान ने इस मैच को जीतकर न सिर्फ अपने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखा बल्कि ग्रुप 1 से बांग्लादेश की टीम भी टूर्नामेंट में जीवित है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि भारत के खिलाफ मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक नॉकआउट मैच की तरह होगा। Everyone they were supporting Afghanistan. हर विकेट पे they were cheering. Wow. मुझे हमने सोचा कि भाई साहब हम अकेले नहीं है, ये तो सारे इकट्ठे सपोर्ट कर रहे हैं ये तो अफगानिस्तान को। तो वहां पे बहुत ही शुगल मेला लगा हुआ था, बड़ा लाजवाब, बेहतरीन, मजा आया। इंग्लैंड के कुछ कपल्स बैठे हुए थे, वो तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या हिसाब किताब है, तो वो तो वो चेयर कर रहे थे। देयर वर फ्यू इंडियन फैमिलीज, क्योंकि बड़ी तादाद में इंडिया के जो फैंस हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और दे बिलीव कि ये वाला जो मैच है, जो टूर्नामेंट है, उनकी टीम जीतेगी। तो काफी ज्यादा इंडियन भी आए हुए हैं और वेस्ट इंडीज वाले जो लोकल, वो भी उनसे भी पूछा मैंने, वो जो ढाबे वाला था कि किसको चाहते हैं कौन जीते, तो अपने दादा बोल रहा है ऑलवेज सपोर्टिंग अफगानिस्तान मां, आई वांट अफगानिस्तान टू विन मां। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस, वी ऑल वांट अफगानिस्तान टू विन। एंड अफगानिस्तान ने फिर किया भी कमाल और नवीन ने शुरू में ही जिस तरह बोल्ड किया, जनाब हेड साहब को कोई समझ नहीं आई। इन तीसरी गेंद थी, दे वर ऑल जंपिंग एंड एंजॉयिंग एंड चीयरिंग इंडियन फैंस। पाकिस्तानी तो हम ही थे, मैं था और अली था, बाकी वो इंग्लैंड वाले और लोकल काफी
हर विकेट पे देवर सेलिब्रेटिंग, देवर चेयरिंग, वाह जी मजा आ गया यार, बनता है सेलिब्रेट अगर कर। तो वहां पे इंटरनेट का मसला ना होता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहीं से लाइव आता, जहां पे बैठा हुआ था उधर से लाइव आना था, मैंने बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ था, लेकिन चूंकि इंटरनेट इतना सॉलिड नहीं था कि वहां से लाइव आया जाता, इसलिए देन आई केम बैक होम, तो फिर अब यहां से लाइव आ रहा, बहुत ही मजेदार नजारा था, माहौल अच्छा बना हुआ था। एनीवेज तो अफगानिस्तान की टीम के लिए लोगों में भी सपोर्ट थी और उनकी टीम डिजर्व भी करती है, सिर्फ वन मैच वंडर नहीं था वो न्यूजीलैंड वाला, अभी आप देख लीजिए न्यूजीलैंड का जो हाल किया 75 पे उनको जिस तरह चलता किया, तो ये कोई बहुत मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात नहीं थी, अब उनकी टीम डिजर्व करती है अच्छा खेलना, अच्छा खेल के जीतना डिजर्व करती है। और आई वॉज सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस मोमेंट पे मिच मार्श ने टॉस जीत के कहा कि जनाब हम पहले बॉलिंग करेंगे और हम चेज करेंगे, तो चेज में अफगानिस्तान की तो स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, वो तो बॉलिंग में वो तो चाहते ही थे कि जनाब आप टॉस जीत के भी आपने वही फैसला कर लिया कि जिसका इंतजार था कि अफगानिस्तान को कि हमने पहले बॉलिंग करनी है और फिर सॉरी हमने पहले बैटिंग करनी है और फिर रिस्पेक्ट करना है हमने ऑस्ट्रेलिया को, तो जो वो चाहते थे वही आपने टॉस जीत के भी उनको डेट में रख के दे दिया। और इस पिच पे 150 बहुत अच्छा टोटल था, 140 के आसपास टोटल पे यहाँ पे टीमें फंस जाती हैं, तो बहुत ही लाजवाब किस्म का ओपनिंग स्टैंड दोनों का, 100 रन की पार्ट कमाल कर दिया भाई, और खास करके जो गुरबाज है व्हाट अ बैट्समैन ही इज यार, अभी कितने साल हुए हैं, तो ये इन टीमों को देख के दिल और भी अफसुर्दा हो जाता है, अपनी पाकिस्तान की टीम को देख, कहा अफगानिस्तान 10-12 साल पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है नेशनल T20 वगैरह, तब शहरों की टीमें होती थी, तो एज अ विजिटिंग साइड अफगानिस्तान की टीम को ये नबी वगैरह ये सारे उसमें खेलते थे, तो कहां सारी डोमेस्टिक की टीमें उसमें से एक मेहमान टीम को खिलाते थे, अब वो अफगानिस्तान माशाल्लाह से तरक्की करते करते एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने अपनी टीम को बेहतर से बेहतर से बेहतरीन करते गए, और हम कहां पे खड़े हो, हम अभी शायद सोच भी नहीं सकते कि बड़ी टीमों को हराने का, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया अफगानिस्तान वो कमाल कर रहा है, पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को भी ढेर किया, इंग्लैंड को भी, श्रीलंका को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया था, वो खैर उनकी किस्मत नहीं था मैच कैच छूटे, बाकी मैक्सवेल का कोई बहुत ही अच्छा दिन था वो हो गया चेज, वरना वो पिछला 50 ओवर का सेमीफाइनल में पहुंचे हुए थे, और T20 में अभी इन्होंने जो कमाल किया इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो अफगानिस्तान की टीम को डेफिनेटली मिला है। मैक्सवेल टिक सका ना, मिचेल मार्श टिक सका ना, जो वो स्टोइनिस टिक सका, सारे अफगानिस्तान के सामने ढेर हो गए हैं, और क्या कमाल की यार बॉलिंग जो अफगानिस्तान की टीम की जानिब से देखने को मिली है, ओए होए 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 तौबा 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 तौबा, भाई साहब 148 रन बनाना और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो वो 21 रन से शिकस्त दे देना वर्ल्ड कप में, खाला जी का घर नहीं है ये, अफगानिस्तान ही कर सकता है भाई, अगर आपको छोटा टोटल डिफेंड करना है ना तो आपको अफगानिस्तान जैसी टीम चाहिए, अफगानिस्तान जैसा जोश आपको चाहिए और अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग जो आपको चाहिए, कमाल लाजवाब आउटस्टैंडिंग और हिस्ट्री क्रिएट कर दी अफगानिस्तान की टीम ने, राशिद खान कमाल, उसके बाद जो है वो क्या नाम है उसका यार जो है वो गुलबादीन नाइब, भाई साहब इस बंदे को बॉलिंग दी गई पता नहीं क्या सोच के दी गई, और 4 बड़ी विकेटें लेके गुलबादीन ने अफगानिस्तान के लिए वो काम कर दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था कि अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगी, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना मुश्किल, मतलब के हैरान को ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इस वर्ल्ड कप में जो हम सोच भी नहीं सकते, इंडिया ने तो चलो कोई भी जो मैच है वो हारा ही नहीं है ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम मम्मी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसको कभी मतलब हम सोचा करते थे कि ये टीम दुनिया की बेस्ट टीम अभी भी टीम है वो बेस्ट टीम है, लेकिन उस जैसी बड़ी टीम को हरा देना अफगानिस्तान सच्ची में इतना अनबिलीवेबल है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, कल से ये न्यूज बड़ी गर्दिश कर रही है और हर बंदा है ना आना कि ये हो कैसे गया, और एक तरफ हमारी टीम है जो भाई मतलब यूएसए के सामने जो कि फर्स्ट टाइम खेल रही है उनके सामने हार रही है,
मतलब कि हमारी टीम हमने देखे और अफगानिस्तान पर नहीं, ये टीम इन्होंने भेजी थी जो सबसे पहले बाहर निकल कर घरों में आके चले गई, उन्होंने ईद भी मना लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, और ना ये उनके पास का खेल ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच के इनको भेज देते हैं। सच में अब अफगान बच्चे भेज दे वो अच्छे है, सही बात है, हमारी गली के बच्चे भेज दो वो ज्यादा बेहतरीन इनसे खेल पाएंगे, ये जैसे कमी टीम को भेज के तो हमारे सही बात नाक छोटा इन्होंने हमारा कर दिया, पहले इतना बदनाम है और ज्यादा पाकिस्तान की जो है ना इज्जत को उछाला गया है, और अफगानिस्तान सच में वो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो ये बोलते हैं ना पठान, ये पठानों को लेकर बड़ा ये मजाक उड़ाते हैं, अब पंजाबियों का मजाक उड़ाना चाहिए ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना इनका, क्योंकि ये बड़े बने फिरते थे कि हम ये हैं हम वो हैं, चलो जी फिर उन्होंने पठाना ने तानू बाहर सोते आगे, अब वो देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उन्होंने हरा के तो उनको सबक सिखा दिया, सही बात आगे आ रही, उनको सेमीफाइनल में जाने से रोक दिया है, उनके लिए मुश्किल बना दिया है, तो ये होती है टीम जो अपने कंट्री के लिए अपने लोगों के लिए खेलती है, कम पैसे मिलने पर भी हमें वो वो अपनी कंट्री का नाम बनाते हैं, उनको पता है कि हम वो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको अपने कंट्री से प्यार नहीं है, ये बस मौजे करने के लिए जाते हैं तो बस मौज कर वापस आ जाते हैं, कभी इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बहुत बेहतरीन खेली है और इंडियन ने भी इस चीज को बड़ा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और उनको सपोर्ट भी किया, बनता भी है इतना उन्होंने अच्छा खेला है तो अप्रिशिएट करना तो हर एक के लिए बनता है, जो सड़ते हैं बलते हैं वो नहीं बस करेंगे, बिल्कुल, तो यही थी आज की वीडियो, हमारी तरफ अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, हम तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे ही वो परफॉर्म करके हम चाहते हैं इंडिया और अफगानिस्तान का ही फाइनल आ जाए तो, लेकिन फिर इंडिया जीत जाए, देखते भाई क्या होता है, या वीडियो कैसे लगी बताना, फिर मिलता है कौन दिन।